बृहस्पतिवार के दिन गोरखपुर मंडल के मंडल आयुक्त अनिल डिगेरा ने सिवरई विकासखंड के गांव नारियदी के एपी तटबंध के समीप मौजूदा गांवों के ग्रामीणों व प्रधानों से सीधी संवाद कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और अपने अधीनस्थों को बाढ़ से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार रहने की सलाह दी। इस दौरान तटबंध के समीप गाँव के ग्राम प्रधानों से सीधी संवाद की और उनके बातों से प्रसन्नता व्यक्त की। ग्राम प्रधान ने बारी बारी से अपने ग्राम पंचायतों की समस्याओं से कमिश्नर को अवगत कराया। जंगली पट्टी के ग्राम प्रधान ग्रामीण प्रकाश निषाद बाढ़ से निपटने की तैयारियों को कमिश्नर से बताते हुए बताया कि हम सभी ग्रामीणों के खेत नारायणी नदी के गोद में होने के कारण वर्ष एक में ही सफल काटने की बात कही। तो वहीं गांव में 10 किलोमीटर दूर तया सुजान तमकोही रोड बैंक होने से बैंकिंग कार्यों में दिक्कतों से अवगत कराते हुए गाँव में एक राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाने की मांग की। साथ ही एक पशु चिकित्सालय की मांग की, जिसको कमिश्नर ने तत्काल प्रस्ताव शासन को भेज जाने की CDPO को आदेशित किया। सभी को सुनने के बाद मंडल आयुक्त अनिल डिगेरा ने कहा कि हमारे सभी अधीनस्थ बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव तैयार है, किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। इस दौरान जिलाधिकारी कुशीनगर रमेश रंजन, CDO कुशीनगर गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी कुशीनगर वैभव मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटरिया, SDM तमकुराज विकास चंद, तहसीलदार मदनता प्रसाद सिंह, प्रधान बुटई निषाद, रामजी निषाद आदि ग्रामीण मौजूद रहे। आपका परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश निषाद, मैं ग्राम सभा रखबा जंगली पट्टी का रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम सभा ब्लॉक से भी 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और अभी आपके ग्राम सभा में जो है कमिश्नर साहब का दौरा हुआ था, उनके सामने अभी आपने कई मांगे रखी, क्या क्या उसमें मांग? देखिए, मैंने आज कमिश्नर साहब से दो मांगे की। जो मूलभूत सबसे जटिल समस्या थी मेरे ग्राम सभा और मेरे क्षेत्र के लोगों का, जिसमें पूर्ण रूप से पशु अस्पताल की मैंने मांग की और दूसरा बैंकिंग की व्यवस्था की मांग की कि हमारे क्षेत्र के महिलाएँ, बच्चे, जो कुछ भी आज है, हर लोगों की बैंक की आवश्यकता पड़ जाती है। ये दो मैंने महत्वपूर्ण मांगे की, जिसमें एक मांग को तुरंत कमिश्नर सामने संज्ञान लेते हुए CDO से बोले कि इसको सेंसर में डाल दो और शासन को भेज दो। आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी जिला स्तरीय ब्लॉक के अधिकारी, पूरे प्रशासन की टीम, प्रधान, ग्रामवासी, मीडिया, मैं सर्वप्रथम कुछ दिन पहले हम लोगों ने खड्डा में भी किया था। तमकोही का जो पूरा बेल्ट है, इसमें 12-13 ग्राम पंचायतें बाढ़ के समय अफेक्ट होती है, तो सिंचाई विभाग के माध्यम से भी जितने तटबंध पर काम होना था, ऐसे लोकेशन जहां बाढ़ से समस्या हो सकती है टूटने का, इन सब जगहों पर काम कर लिया गया ताकि तटबंध अपना सुरक्षित हो। और इस राहत व्यापार का जो दूसरा पक्ष होता है, आप देखिए हमारे रेड टी शर्ट में काफ़ी सारे आपदा मित्र आपके साथ पीछे बैठे हुए हैं, बाढ़ के समय में इनके द्वारा काफ़ी सारा काम किया जाता है। अभी कुछ देर पहले सेवा घाट पर इनके द्वारा ड्रिल किया गया था, अगर कोई डूब रहा हो कैसे बचाया जाए। राहत शिविर के साथ ही बाढ़ चौकी भी आपकी मैक्सिम ग्राम पंचायत में बना हुआ है। 15-20 दिन पहले उन लोगों ने प्रोग्राम किया था आपका वहाँ अरौली धाम के एरिया में, तो मैक्सिमम प्रधान जो आप लोग, आपकी समस्याएं दो तीन चीज़ों में निकला था, एक तो पशु अस्पताल का और दूसरा एक PSC इसके आसपास वाले सेंटर में नहीं है, तो पशु अस्पताल का प्रपोजल अभी CV साहब बता रहे हैं, हम लोग निकाल कर जल्दी भेज देते हैं, सेंक्शन हो जाती है। तो एक समस्या आपका जेन्युइन है यहाँ पर।